को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण देने के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था, जिससे कुम्हार समाज को रोजगार के साथ नए दिशा और नई पहल मिल सके। लेकिन सूरजपुर जिले में अब कुम्हार समाज को एक नई पहचान मिलती नजर आ रही है। जिले में ग्लेजिंग प्लांट लगाया गया है, जिसमें कुम्हार समाज के युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। जहां विलुप्त होते प्राचीन सभ्यता वाली मिट्टियों से बने बर्तनों को फिर से ग्लेजिंग प्लांट में जीवित किया जा रहा है। नए तकनीकी के साथ ही तैयार हो रहे मिट्टी के बर्तन अब चीनी आइटम को टक्कर देते नजर आएंगे। घर तवा कढ़ाई दिया और प्रेस कई प्रकार के फैंसी आइटम बनाते सर। उस समय ना मेहनत ज्यादा लगती थी और कम माल उत्पत्ति होता बनता था, और अब मशीनें जो सरकार हमें दिए हैं उससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा माल बन रहा है। जो हम अर्डन आइटम्स का यूज कर रहे हैं, जैसे पानी की बोतल हो गया, उनका बहुत ही अच्छे डिजाइन में और डेकोरेटिव आइटम्स को भी बनाया जा रहा है, और उनका जैसे कि कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि आगे हम उनको फ्लिपकार्ट और अमेजोन के माध्यम से बाकी पूरे स्टेट में और पूरे कंट्री में फैलाएंगे, ताकि लोगों को ये अच्छे अच्छे आइटम्स अफोर्डेबल रेट पर मिल सके। खबर रायपुर से है।